हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल विनीता मौर्या अपनी रसोई। आज मैं आपके साथ हरी मटर की तहरी की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल के नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन को भी क्लिक करें, और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आइए हम शुरू करते हैं हरी मटर की तहरी को बनाना। हरे मटर की तहरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम चावल ले रखा है। चावल को मैंने 4 से 5 बार साफ पानी से वॉश कर लिया है। उसके बाद चाहिए हमें हरी मटर। हरी मटर को भी मैंने देखिए फली से छीलकर इसको साफ पानी से धुल लिया है। फिर चाहिए हरा लहसुन, हरी धनिया, हरी मिर्च और अदरक। अगर आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो आप सूखे लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए आलू। ये मैंने 2 आलू ले रखे हैं। आलू को भी मैंने छीलकर इसको साफ पानी से धुल लिया है। देसी घी, खड़ा जीरा, हल्दी पाउडर, नमक और बारीक कटा एक प्याज, इतनी सामग्री हमें चाहिए इस तहरी को बनाने के लिए। सबसे पहले तो हम हरा धनिया, हरा लहसुन और हरी मिर्च का हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मिक्सी जार में इसको हम पीस लेते हैं। हरा धनिया, हरा लहसुन और इन सबको देखिए मैंने अच्छे से पीस लिया है, बारीक महीन एकदम। अब हम तहरी बनाना शुरू करते हैं। चलते हैं अपनी गैस की तरफ। कुकर को मैंने गैस पे रख दिया गर्म होने के लिए। कुकर हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें घी को डाल दूंगी। घी को अभी हम मेल्ट होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें जीरे को डाल दे रही हूँ। जीरा मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है। जीरा हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। इसको हम कर देंगे मिक्स चम्मच से इस तरह से। प्याज को अभी हम लाल होने देंगे, उसके बाद फिर हम इसमें मसालों को ऐड करेंगे। प्याज हमारे हो चुके हैं। अब मैं इसमें मसालों को डालूंगी। ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया था हरा धनिया लहसुन का, इसको हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। अब इसको हम कर देंगे इस तरह से मिक्स। अब इसमें हम हल्दी पाउडर को ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है। नमक 1 चम्मच। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार रखेंगे, जैसा नमक खाना पसंद करते हो। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें मटर और आलू को ऐड कर देंगे। आलू को मैंने डाल दिया है इसमें, और मटर को भी इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं। अब हम इनको भी अच्छे से भून लेंगे इसमें। आलू और मटर को भी मैंने बहुत अच्छे से देखिए भून लिया है। अब मैं इसमें चावल को ऐड कर दे रही हूँ। अब हम चावल को भी अच्छे से मसालों में अच्छे से भून लेंगे। हमारे मसाले में और ये जो चावल मटर वगैरह पड़ा है इसमें, जितना अच्छे से भुना रहेगा हमारी तहरी उतनी ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। गैस की फ्लेम को मैंने हाई पर रखा है इस समय। सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें पानी को ऐड कर दूंगी। फिर हम कुकर को बंद करके रख देंगे 2 सीटी आने तक पकने के लिए। अब इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं। पानी मैं इसमें 4 गिलास डालूंगी। तहरी में मैंने पानी को डाल दिया है। अब मैं ढक्कन लगाकर इसको रख दूंगी 3 सीटी आने तक पकने के लिए। पहले मैं इसको हाई फ्लेम पर पकाऊंगी, फिर 3 सीटी के बाद मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। कुकर में हमारे 3 सीटी आ चुकी है। अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर दे रही हूँ। तहरी को पकते हुए लो फ्लेम पर 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। कुकर की स्टीम को भी हम निकलने देंगे, उसके बाद फिर हम तहरी को सर्व करेंगे खाने के लिए। कुकर की स्टीम निकल चुकी है। अब मैं ढक्कन को खोलती हूँ। हमारी तहरी बहुत अच्छे से पक चुकी है।
बहुत अच्छा इसका कलर भी आया है। अब इसको हम चम्मच से इस तरह से चला लेंगे। अब हम तहरी को इस प्लेट में सर्व कर रहे हैं खाने के लिए। ये हमारी हरी मटर की तहरी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी तहरी बनी है। इसको और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ घी, घी से ये और भी टेस्टी हो जाएगी हमारी तहरी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप घी मत डालिएगा, लेकिन घी डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब आप इस तहरी को खाइए हरी धनिया की चटनी के साथ में, दही के साथ में, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप भी इस तहरी की रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं फिर से मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।